अब हम लोग बोन्स को अलग अलग बेसिस पे क्लासिफाई करने वाले हैं। तो सबसे पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिफिकेशन। अब बोन्स जो है किस तरीके से ऑसिफाई हो रहे हैं उसके बेसिस पे हम लोग उसे तीन क्लास में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेम्ब्रेन बोन्स, मेम्ब्रेन बोन्स या फिर जिसे हम लोग डर्मल बोन्स भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कार्टिलेजिनियस बोन, कार्टिलेजिनियस बोन या फिर जिसे एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन, ऐसे टाइप की ऐसे जो बोन्स बन रही है इसे हम लोग बोलते हैं एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन। और उसके बाद तीसरा होता है मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। अब आखिरकार तीनों में डिफरेंस क्या है उसे समझते हैं। तो सबसे पहली बात जो होती है, इनिशियली एक बच्चे के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेसेनकाइमल सेल्स। मेसेनकाइमल सेल्स और कुछ नहीं है, स्टेम सेल्स हैं ये एक तरीके के। अब ये जो स्टेम सेल्स हैं, अब ये यही आगे चल के बोन फॉर्म करेंगे डिफरेंशिएट होकर। तो अब इनके पास दो पाथ होते हैं, या तो ये जो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स है वो डिफरेंशिएट हो किस में, ऑस्टियोब्लास्ट में, ऑस्टियोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होंगे और फिर वो बनाएंगे बोन। इस तरीके से जो बोन बन रहा है जहां पे स्टेम सेल्स जो है या फिर मेसेनकाइमल सेल्स जो है डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो रहे हैं ऑस्टियोब्लास्ट में, ऐसी जो बोन्स डेवलप होती है उसे हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन या फिर डर्मल बोन्स। और इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है, इसकी एग्जाम्पल है वॉल्ट ऑफ स्कल में जितनी भी बोन्स है, वॉल्ट ऑफ स्कल में जो बोन्स है या फिर फेशियल बोन्स जो है वो एग्जाम्पल होती है किसकी, मेम्ब्रेन या फिर डर्मल बोन्स। इसे इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। इसके बाद जो ये मेसेनकाइमल सेल है इनके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि ये डिफरेंशिएट हो जाए किसमें, कॉन्ड्रोब्लास्ट में। अब अगर कॉन्ड्रोब्लास्ट में ये डिफरेंशिएट हो गए तो क्या बनाएंगे, ये कॉन्ड्रोब्लास्ट में डिफरेंशिएट होने के बाद ये कार्टिलेज बनाएंगे, कॉन्ड्रोब्लास्ट कार्टिलेज बनाते हैं। अब इस कार्टिलेज का जो है कैल्सिफिकेशन हो और उसके बाद कार्टिलेज से बोन फॉर्म हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टेम सेल्स डायरेक्टली बोन नहीं बना रहे, सबसे पहले स्टेम सेल्स बना रहे कार्टिलेज और फिर उस कार्टिलेज से बन रहा है बोन। तो इस तरीके से जो बोन्स फॉर्म हो सकती है उसे हम लोग बोलते हैं कार्टिलेजिनियस बोन। इसे हम लोग एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन भी बोलते हैं। और इस तरफ से कौन सी बोन बन रही है, हमारी लिम्ब बोन्स, मतलब ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना जो है वो इस तरीके से एंडोकोंड्रल ऑसिफिकेशन के थ्रू बन रही है। अब कुछ बोन्स ऐसी होती है जिनका कुछ पार्ट जो है मेम्ब्रेनियस इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन होता है और उनका कुछ हिस्सा जो है कार्टिलेजिनियस ऑसिफिकेशन होता है, ऐसी बोन्स को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। और इसका एग्जाम्पल होता है क्लाविकल। तो क्लाविकल का कुछ हिस्सा जो है मेम्ब्रेन की तरह ऑसिफाई होता है और उसका जो कुछ पार्ट जो है वो ऑसिफाई होता है किसकी तरह, कार्टिलेज की तरह। तो ऐसे बोन्स को हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेनो कार्टिलेजिनियस बोन। अब एक यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगी कि अगर मान लीजिए मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हो जाए और ये ठीक से नहीं हो पाए तो क्या होगा, मेम्ब्रेनियस बोन मतलब इस तरीके से इंट्रा मेम्ब्रेनियस ऑसिफिकेशन से जो बोन बन रही थी वो अच्छे से नहीं बन पाएंगी। तो ऐसे टाइप की एक डिजीज होती है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस। अब इसमें होता क्या है, इसके अंदर जो है डर्मल बोन्स वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। अब आप लोगों ने देखा यहाँ पे क्लेविकल का जो कुछ हिस्सा है वो किस तरीके से बन रहा था, मेम्ब्रेन से। तो इस कारण जिसको भी ये डिजीज होती है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस, अब उसके अंदर जो है क्लेविकल जो है डेवलप नहीं हो पाता, कुछ हिस्सा उसका डेवलप नहीं होता, तो एप्लासिया ऑफ क्लेविकल, एप्लासिया ऑफ क्लेविकल जिसको भी ये डिजीज होती है क्लीडोक्रेनियल डायस्टोसिस उसके अंदर एप्लासिया ऑफ क्लेविकल। एप्लासिया का मतलब यहाँ पे फेलियर ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद एप्लासिया ऑफ क्लेविकल, इसके अलावा हम लोगों ने देखा वॉल्ट ऑफ स्कल। तो ये जिसको भी डिजीज होती है उसके अंदर जो उसका क्रेनियम है उसका ट्रांसवर्स डायमीटर जो है क्रेनियम का इंक्रीज कर जाता है। ट्रांसवर्स डायमीटर ऐसे
इंसान का इंक्रीज कर जाता है उसके क्रेनियम का। उसके अलावा आप लोग देखेंगे एक ब्रेन एक स्कल के अंदर जो है बर्थ के टाइम पे सारी बोन्स जो है वो फ्यूज नहीं हुई होती, उसके अंदर जो है फॉन्टेनेलीज प्रेजेंट होते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं फॉन्टेनेली। तो जिसको भी ये डिजीज होती है, क्योंकि हमने देखा कि वॉल्ट ऑफ स्कल भी किससे बन रहा है, मेम्ब्रेन इंट्रा मेम्ब्रेनस ऑसिफिकेशन के थ्रू, तो ये क्लिटोक्रेनियल जास्टोसिस में फॉन्टेनेली ऑसिफिकेशन भी नहीं होता, फॉन्टेनेली ऑसिफिकेशन नहीं हो पाता। तो ये हो गया क्लिटोक्रेनियल जास्टोसिस जब मेम्ब्रेन या डर्मल बोन्स के ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम। मान लीजिए कार्टिलेजिनियस बोन या एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम होती है तो उसके कारण होती है डिजीज एकोंड्रोप्लासिया, एकोंड्रोप्लासिया। अब इसमें क्या होता है, अगर कार्टिलेजिनियस एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है तो इसके कारण जो लिम्ब बोन्स जो कि कार्टिलेजिनियस एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन के थ्रू बन रही थी वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती। तो जिसको भी एक ऑन्ड्रोप्लासिया होता है उसका जो ट्रंक होता है वो नॉर्मल शेप का होता है, लेकिन जो उसके लिम्ब्स का होते हैं वो काफी ज्यादा शॉर्ट होते हैं एज कंपेयर टू ट्रंक। क्यों? क्योंकि उसके एंडोकॉन्ड्रियल उसके अंदर एंडोकॉन्ड्रियल ऑसिफिकेशन ठीक से नहीं हो पाया और इसे हम लोग बोलते हैं एक ऑन्ड्रोप्लासिया। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ ऑसिफिकेशन किस तरीके से हम लोग बोन्स को क्लासिफाई करते हैं।